साथियों, सहयोग संस्था द्वारा संचालित डिजिटल वार्ता ऑडियो सीरीज में आपका स्वागत है। साथियों, डिजिटल वार्ता मोबाइल की जुबानी जेंडर वायरस की कहानी एपिसोड 9 में डिजिटल माध्यमों में लड़कियों को अवसर उपलब्ध कराने में अभिभावकों की मददगार भूमिका के बारे में जानकारी दी गई है। तो सुनिए लखन की कहानी, मेरी जिम्मेदारी। रोजी बेटी, तो आजकल उदास क्यों है? नहीं पिताजी, मैं तो ठीक हूँ। बेटी, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, बात क्या है बता। कोई बात नहीं है। अच्छा पिताजी, मैं सहेली के घर चली जाऊँ, 2 घंटे बाद लौट आऊंगी। अरे इसमें पूछने वाली बात क्या है, जा। अच्छा सुन, ले रिक्शे के पैसे ले जा, पैदल मत जाना। ठीक है पिताजी। अच्छा मैं आकर दिन का खाना बना लूंगी। अरे ये किसने कहा कि घर का सारा काम लड़कियों को ही करना है? भाई मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, तू जा आराम से आना, मैं खाना बना लूंगा। पिताजी मैं आ गई। अरे आप बर्तन क्यों धो रहे हो? मैंने कहा था ना मैं सब कर लूंगी, लाओ। बेटी तू हाथ मुंह धो, जा मैं गर्मा गर्म खाना लेकर आ रहा हूँ। जी पिताजी। एक बात बता बेटी, तू ये आए दिन सहेली के यहाँ क्यों जाती है? पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए? तेरे हाथ में मैंने कापी किताबें तो नहीं देखी। पिताजी मैं उसके यहाँ ऑनलाइन पढ़ती हूँ। ऑनलाइन मतलब? पिताजी शैली के पास लैपटॉप है और उसके यहाँ नेट की सुविधा है। अच्छा कंप्यूटर है उसके पास। जी पिताजी। लखन अपने घर से सोमनाथ के घर की तरफ चल पड़ता है। सोमनाथ अपनी बिटिया से कह रहा है, बेटी जरा लैपटॉप खोलना, मेरा एक ट्रेन का टिकट बुक कर दे, मुझे नैनीताल जाना है। इतने में लखन पहुंच जाता है। अरे अरे लखन भैया, आओ आओ आओ, बताइए सब ठीक? सब ठीक। हाँ कैसे आना हुआ आपका? अरे अरे बेटी, बेटा टिकट नहीं कराना है अभी, हो सकता है लखन भाई भी हमारे साथ नैनीताल चले। टिकट? घर में का रेलवे स्टेशन बना रखा है। रेलवे स्टेशन? अरे नहीं नहीं, अब तो डिजिटल का जमाना आ गया है भैया, ये दुनिया अपनी मुट्ठी में है समझे। हाँ भाई सोमनाथ सही कहा, मैं तेरे पास इसी काम से आया हूँ, मुझे भी बिटिया के लिए एक लैपटॉप लेना है। आए तूने अभी तक बिटिया को लैपटॉप नहीं दिलाया? अरे रे 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 रे, चल 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 अभी चलते हैं, लैपटॉप लेकर रोजी को सरप्राइज देंगे। हाँ सोमनाथ भाई मेरे पास पैसे नहीं। अरे तो तुमको पैसे की बोला कौन भाई, हमारे साथ चलो, हमने भी अपनी बेटी के लिए किस्तों पे लैपटॉप लिया है। हाँ लखन और सोमनाथ बाजार से लैपटॉप लेकर रोजी के पास जाते हैं और सोमनाथ कहता है, बिटिया हम तुम्हारे जन्मदिन के लिए गिफ्ट लाए हैं, जल्दी से गर्मा गर्म चाय बना दो। गिफ्ट? जन्मदिन? आज कहाँ से आ गया मेरा जन्मदिन? इनका जन्मदिन नहीं है आज। बेटी तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आज किताब से ज्यादा डिजिटल माध्यम यानी लैपटॉप और कंप्यूटर से पढ़ाई होती है? अरे पगली, जमीन बेच कर भी तेरे लिए लैपटॉप ले आता। हाँ हाँ बिटिया, अरे हम अभिभावकों की यही तो जिम्मेदारी है कि जो लड़कियाँ हैं हम उनकी डिजिटल तक पहुंच बढ़ाएं, और बेटी तुम्हारे पास अपना कंप्यूटर हो, नेट हो, ताकि लड़कियां भी आगे बढ़ सके। आप बहुत अच्छे हो पिताजी। साथियों, जिस तरह लखन और सोमनाथ अभिभावक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिससे लड़कियां डिजिटल के अवसरों से जुड़ पा रही हैं, इनकी जगह आप होते तो क्या करते, जरूर बताएं। साथियों, डिजिटल माध्यमों से सेवाओं तक पहुंच पर आप अपनी जानकारी बढ़ा पाए। आपने लखन की कहानी सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।